2G पर सीएजी की रिपोर्ट में नया खुलासा, मुरली मनोहर जोशी के फॉर्मूले पर तैयार हुई रिपोर्ट। सीएजी के दस्तावेज के आधार पर अखबार का दावा, जोशी के फॉर्मूले से बढ़ा घाटे का आंकड़ा। 20 जून 2010 को हुई थी पीएसी और ऑडिट टीम की मीटिंग, विनोद राय ने जोशी के मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। ऑडिट टीम ने जोशी फॉर्मूले का किया था विरोध, लेकिन विनोद राय के निर्देश पर बनी रिपोर्ट। 2G पर सीएजी रिपोर्ट में दिखाया गया भारी घाटा, 57,000 करोड़ से 1,76,000 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। सीएजी पर विपक्ष को घेरने की तैयारी, सोमवार को डीएमके लाएगी चर्चा प्रस्ताव। डीएमके कराएगी सीएजी के पूर्व डीजी आरपी सिंह के आरोपों पर चर्चा, मुरली मनोहर जोशी का लिया गया है नाम। राशिद दलवी ने कहा डीएमके ला सकती है प्रस्ताव, सीएजी के मामले को बताया गंभीर मुद्दा। सीएजी विवाद पर बोले सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, कहा आरोपों से साफ है आंकड़ों की सच्चाई। बिहार सरकार की सालाना रिपोर्ट कार्ड जारी, कहा अगर बिजली नहीं मिली तो नहीं मांगेंगे वोट। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर पीएम की बीजेपी को दो टूक, कहा रंजीत सिन्हा की नियुक्ति पर नहीं लगेगी रोक। पीएम का जवाब, लोकपाल बिल पास होने में लगेगा वक्त, नए कानून के इंतजार में रोकी नहीं जा सकती देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के मुखिया की नियुक्ति। सुषमा और जेटली ने लिखी थी पीएम को चिट्ठी, नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर रोक लगाने की थी मांग। सुषमा ने उठाया था सवाल, लोकपाल बिल पेश होने से ठीक पहले क्यों की गई नियुक्ति, नेता विपक्ष से क्यों नहीं ली गई सलाह। नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को कांग्रेस ने ठहराया जायज, नारायण स्वामी ने कहा नियमों के तहत हुई है नियुक्ति। गुजरात चुनाव के पहले चरण में प्रचार नहीं करेंगे सुषमा और आडवाणी, 25-26 नवंबर की रैली के लिए जारी हुई प्रचारकों की लिस्ट। गुजरात चुनाव प्रचार में विवेकानंद से की गई मोदी की तुलना, 3D डायमेंशन तस्वीरों में लिखा है दो नरेंद्र। अहमदाबाद में कांग्रेस की चुनावी रैली में अज्ञात लोगों का हमला, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोप। टिकट बंटवारे से अब भी नाराज है कांग्रेस कार्यकर्ता, अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर पर जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला को चुनाव आयोग ने दिया कारण बताओ नोटिस, सूरत में चुनावी भाषण पर विवाद। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख, पहले चरण में 13 दिसंबर को 87 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया भी आज पोरबंदर से पर्चा करेंगे दाखिल, शुक्रवार को केशुभाई पटेल ने जूनागढ़ से पर्चा किया दाखिल। गुजरात कांग्रेस आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट करेगी जारी, पहली लिस्ट पर मचा था घमासान। गुजरात में नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार हुआ हाईटेक, प्रचार के लिए 4 हाईटेक रथ तैयार। रथों पर लगाई गई है एलईडी स्क्रीन, जहां भी ये रथ रुकेगा अपने आप शुरू हो जाएगा मोदी का 10 मिनट का भाषण। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक लड़ाई आज से शुरू, टीम ने नई पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। आज शाम 6 बजे अरविंद केजरीवाल अपनी नई पार्टी करेंगे लॉन्च, आम आदमी पार्टी के लॉन्च के लिए पहुंचे लोग। केजरीवाल ने 26 तारीख को जंतर मंतर पर समर्थकों को बुलाया, कहा उस दिन सदस्य बनने वाले माने जाएंगे फाउंडर मेंबर। केजरीवाल ने कहा उनकी पार्टी में नहीं होगा परिवारवाद, एक ही परिवार से दो लोग नहीं जाएंगे काउंसिल में। नई पार्टी में युवाओं को लाने पर दिया जाएगा जोर, छात्र और महिलाओं को मिलेगा 20% का आरक्षण। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जिला स्तर पर होगा गठन, हर जिले में 1200 सदस्यों की होगी काउंसिल। जिला काउंसिल चुनेगी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी, कमेटी में होंगे 25 सदस्य, चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। जिला वर्किंग कमेटी के सदस्य करेंगे स्टेट कमेटी का चुनाव, राज्य में भी 25 लोगों की ही होगी कमेटी। राज्यों की वर्किंग कमेटी चुनेगी सेंट्रल कमेटी, 25 लोगों की कमेटी में चुना जाएगा एक कोऑर्डिनेटर।
केजरीवाल ने कहा हर कमेटी में 5 छात्रों 5 महिलाओं की सीटें रहेंगी रिजर्व, आगे रिजर्वेशन पर सोच सकती है कमेटी। मुंबई बंद पर कमेंट करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी पर फंसी पुलिस, कोंकण के आईजी ने सौंपी रिपोर्ट। कोंकण आईजी की रिपोर्ट से मुंबई पुलिस को झटका, रिपोर्ट में शाहिन की गिरफ्तारी को बताया गलत। आईजी ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट, कहा दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी गलत, रात में थाने लाने की नहीं थी जरूरत। बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई बंद पर की थी टिप्पणी, पुलिस वालों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश। पीड़ित और उसके चाचा ने कहा आईजी की रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट, मुरली देवड़ा ने कहा जल्द हो कार्रवाई। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कश्मीर के बारामूला में जैश का कमांडर ढेर। रफियाबाद गांव में छिपा था पाकिस्तान मूल का आतंकी यासर, 1 साल से था सक्रिय, मुठभेड़ में मार गिराया। आतंकवादी यासर से एक एके राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद, उत्तरी कश्मीर में इसने फैला रखा था अपना आतंक। पाकिस्तान ने श्रद्धालुओं पर निकाला गुस्सा, गुरु नानक देव के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को वीजा देने से किया इनकार। वीजा इनकार करने से श्रद्धालु मायूस, हर साल गुरु नानक देव के दर्शन के लिए जाते हैं पाकिस्तान। पोंटी चड्डा हत्याकांड में सुखदेव सिंह नामधारी गिरफ्तार, चड्डा फार्म हाउस में गैर कानूनी ढंग से घुसने और धमकी का इल्जाम। सुखदेव सिंह नामधारी पर हत्या की कोशिश का भी आरोप, दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। पोंटी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का अहम खुलासा, कहा पोंटी ने किया था हरदीप के फार्म हाउस पर कब्जा, दोनों भाइयों के बीच हुई थी हाथापाई। दिल्ली पुलिस का दावा हरदीप ने पहले चलाई पोंटी पर गोली, गार्ड रूम में मिली थी हरदीप की लाश, जल्द होगा और खुलासा। पोंटी हत्याकांड पर आज तक से बोले सुखदेव सिंह नामधारी, कहा मैं नहीं था फरार, पुलिस को दे रहा हूं पूरा सहयोग। दिल्ली के रोहिणी में मारुति कार में लगी आग, 2 कार सवारों में से 1 शख्स झुलसा, कार में लगे सिलेंडर में लगी थी आग। कार के पीछे खड़ी दूसरी कार भी आई आग की चपेट में, दूसरी गाड़ी को भी हुआ नुकसान। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग से रेप, पड़ोस के लड़के पर लगा रेप का आरोप। सरपंच पर लगा पीड़ित लड़की और उसके पिता को बंधक बनाने का आरोप, सरपंच ने समझौते के लिए बनाया दबाव। मुंबई में रियलिटी शो का कोरियोग्राफर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार, मॉडल अभिनेत्री ने 2,20,000 की ठगी का लगाया आरोप। फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर में यूपी से आई बारात के साथ मारपीट, स्थानीय लोगों ने कहा सुनी के बाद किया हमला। बारातियों का आरोप उन पर की गई फायरिंग, ईंटों डंडों से पिटाई कर किया घायल। लखनऊ में हुई दिल दहलाने वाली वारदात, 5 साल के मासूम की संदिग्ध हालत में घर के सामने कुएं में मिली लाश। स्कूल से आने के बाद खेलने गया था बच्चा, देर शाम तक घर ना लौटने पर घर वालों ने की थी पुलिस में शिकायत। कटिहार के बैठली गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में कहा सुनी, दूसरे पक्ष को खदेड़ गाड़ी और ट्रैक्टर पर जमकर बरसाए हथियार। नोएडा के सेक्टर 8 में स्विमिंग पूल में करंट आने से देखरेख करने वाली कंपनी के एमडी की मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में नशे की लत बनी जानलेवा, युवक को तंबाकू ना देने पर दूसरे ने डंडों से पीट पीट कर मार डाला। भोपाल में पुलिस ने किया युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, नगर निगम परिषद की बैठक में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेसी। कानपुर में बढ़ी हुई फीस का विरोध करना पड़ा छात्रों को भारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र बुरी तरह घायल। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में एक टीचर की हैवानियत, सवाल का जवाब ना देने पर बुरी तरह पीटा, छात्रा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में बदमाशों ने फाइनेंस डीलर से लूटे 30 लाख रुपए, पुलिस कर रही है जांच। गाड़ी का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात।
भरतपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश, 3 महिलाएं 4 दलाल गिरफ्तार। जबलपुर से लाई गई थी महिलाएं, 65,000 रुपए में हो रहा था एक महिला का सौदा। भरतपुर पुलिस के अनुसार 40 से 70 हजार रुपए में होता है महिलाओं का सौदा, अब तक 15 महिलाओं को बेच चुका है ये दलाल। निजामुद्दीन में किरायेदार ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, मकान मालिक की बेटी की मौत, पत्नी घायल। गुड़गांव के पौश इलाके सेक्टर 10 में एम्बुलेंस में मिली 2 लाशें, धारदार हथियार से हुई हत्या। एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर के शव की शिनाख्त, सरकारी शवदाह में बुकिंग पर चलाते थे एम्बुलेंस। फरीदाबाद की कई कॉलोनियों में फर्जी तरीके से बिक रहे हैं फ्लैट, हुड्डा सरकार ने गली गली पोस्टर लगाकर दी चेतावनी। भारत ने सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का किया परीक्षण, उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ प्रक्षेपण। कर्नाटक के कोलार में परमाणु कचरे को फेंकने के मुद्दे पर बवाल, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सोने की खान के लिए मशहूर था कोलार, फिलहाल बंद है खनन। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सॉफ्ट ड्रिंक पीने पर दी सलाह, बच्चों को नहीं पीना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन वो नसीहत को करते हैं अनसुना। इससे पहले प्रशांत भूषण ने कहा था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के विज्ञापन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिस पर लगनी चाहिए लगाम। आयरलैंड में भारतीय महिला सविता की मौत पर आयरिश मंत्री कारन कैनन का बयान, कहा सविता की मौत की होगी जांच। हैदराबाद में कोहरा बना, हवाई यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब, घने कोहरे से 10 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। हैदराबाद एयरपोर्ट पर रनवे पर घटी विजिबिलिटी, चेन्नई तिरुपति बेंगलुरु के विमान नहीं भर सके उड़ान। कार्तिक एकादशी पर वाराणसी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा में लगाई लोगों ने पवित्र डुबकी। हिंदू धर्म में कार्तिक एकादशी को माना जाता है शुभ दिन, आज के दिन से ही शुभ कार्य शुरू करने की है परंपरा। वाराणसी में लगातार एक महीने श्रद्धालु करते हैं कार्तिक स्नान, आज भक्त करा रहे हैं तुलसी विवाह। मुंबई में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट जारी, कुक और कॉप्टन मैदान पर। पुजारा और अश्विन की शानदार बल्लेबाजी से मिला सम्मानजनक स्कोर, पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए 327 रन। दूसरे टेस्ट में भी चमके पुजारा, आउट होने से पहले 350 गेंदों पर बनाए शानदार 135 रन। मुंबई के मैदान पर पुजारा ने जड़े 12 चौके, पहले टेस्ट में जमाई थी डबल सेंचुरी। अश्विन ने भी खूब निभाया पुजारा का साथ, संभल संभल कर बनाए 68 रन। पहली पारी में चला मोंटी की फिरकी का जादू, 5 दिग्गज बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। पनेसर ने दिए कुल 129 रन, सहवाग, तेंदुलकर, कोहली और धोनी के अलावा अश्विन को भी किया आउट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्वान का भी चला जादू, टीम इंडिया के 4 विकेट झटके। मुंबई के बीच में बल्लेबाजों को रुलाया, इंग्लैंड को भी फिरकी के जाल में फंसाने की है अब कोशिश। मास्टर ब्लास्टर सचिन की चुटकी, कहा नाराज पत्नी, तेज गेंदबाज से भी ज्यादा खतरनाक। मिस्र के तहरीर चौक पर फिर प्रदर्शन, नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के फैसलों से नाराज हजारों लोगों ने किया विरोध। मुर्सी ने अपने फैसलों को बनाया सबसे ऊंचा, कोई नहीं कर सकता विरोध, अजीबोगरीब नियम पर भड़के लोग। पेरिस के बाहरी इलाके ऑर्ली में बार में हुई फायरिंग, घटना में 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस में पहुंचा खूबसूरत क्रिसमस ट्री, नॉर्थ कैरोलिना से लाया गया 19 फीट का फ्रेजर फिर। हवाना में शुरू हुआ इंटरनेशनल डॉग शो, 3 दिन तक चलने वाले शो में 50 नस्ल के 245 कुत्तों ने लिया भाग।